दोस्तों रेडमी नोट 5 और रेडमी नोट 5 प्रो दोनों इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और आज थी उनकी पहली सेल, जहां पर उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है सेलिंग का। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपकी क्लास योर क्लास में। दोस्तों आज है 22 फरवरी और जैसा कि कहा गया था कि आज होगी Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro की सेल। ये जो फ़ोन है वो आपको मिल जाएगा MI.com और Flipkart पर, और आज पहली सेल में ही इनके 3 लाख से ज़्यादा यूनिट जो है वो बिक चुकी है। और Redmi Note 5 Pro की तो मांग इतनी ज़्यादा थी कि वो आने के कुछ सेकेंड बाद ही जो है वो आउट ऑफ स्टॉक जो था वो फ़ोन हो गया था। इसके साथ जो है वो अगली सेल की जो डेट है वो रखी गई है आपकी 28 फरवरी। दोस्तों अभी तक Redmi जो है वो इस तरीके से काम करती थी Xiaomi कि हर 7 दिन बाद वो अपने किसी भी फ़ोन का सेल रखती थी, लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 6 दिन के बाद ही जो है वो आपको एक नई सेल जो है वो मिल जाएगी। तो यानी 28 फरवरी को ये जो सेल है वो लगेगी। MI.com पे तो कन्फर्म है कि आपको 28 तारीख को ये फ़ोन मिलेगा। Flipkart के बारे में अभी कोई कन्फर्मेशन रिपोर्ट नहीं है। इसके साथ ही जो न्यूज़ आ रही है वो Redmi Note 5 Pro की तरफ से ये आ रही है कि इसमें जो फेस अनलॉक फीचर है उसका जो अपडेट है स्टेबल अपडेट वो आपको जो है वो मिल गया है और आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 1.6 GB का ये अपडेट है और जिन जिन के पास Redmi Note 5 Pro आज इन्होंने बुक कर लिया बधाई हो, और वो जाकर इस अपडेट को पा सकते हैं। इसकी जो अगली सेल है वो लगेगी 28 फरवरी को, MI.com कन्फर्म है। Flipkart पर आपको ये बाद में कन्फर्मेशन रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले किसी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या वीडियोज़ को आप मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।